आज के मुकाबले के हिसाब से दोस्तों हार्दिक पांड्या और शिखर धवन क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग में, और कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए ग्रैंड लीग विन करा कर दे सकते हैं और कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए स्मॉल लीग में बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आफ्टर टॉस जो फाइनल टीम मिलती है, स्टेट्स मिलती है, जो नया प्लेयर खेलता है, पिच रिपोर्ट मिलती है, वो आपके लिए टेलीग्राम पर मिलती है जो आफ्टर टॉस न्यूज होती है। इसलिए प्लीज आप अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपके टेलीग्राम की हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आपके लिए दोस्तों चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बेन के बारे में। तो आप यहाँ पर देखोगे कैनिंगटन ओवल लंदन में मुकाबला खेले जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर विकेट के बारे में बता दूं, बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट है, और लेकिन हमें दोस्तों चूंकि ओडीआई मुकाबला है तो हमें यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने होंगे। अब क्या क्या चेंजेस करने होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखोगे टोटल इस वेन्यू पर 71 मुकाबले खेले गए, पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 41 मुकाबले टीम ने विन किए। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर तो जो टीम टॉस जीतेगी वो आपके लिए सेकंड बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखोगे एवरेज 254 निकल कर आता है, जो कि दोस्तों वनडे के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ही टीमों की बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, तो 300 प्लस स्कोर आपके लिए नजर यहाँ पर आ सकता है। बेनुवर स्कोरिंग पैटर्न के बारे में चर्चा की जाए तो आप यहाँ पर देखोगे कि 200 और 200 से नीचे 14 बार, 200 से और 249 तक 26 बार, और 250 से लेकर 249 तक 13 बार स्कोर देखने को मिला है। वहीं 300 प्लस 18 बार स्कोर देखने को मिला है, तो दोस्तों मेरा अनुमान है 300 या 300 के एबव ही आपके लिए स्कोर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों दोनों ही टीमों, तो हम सबसे पहले हेड टू हेड स्टेट्स देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे टोटल 103 मुकाबले खेले गए हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, इनमें से इंडिया ने 55 मुकाबले, भाई इंग्लैंड ने देखोगे आप 43 मुकाबले विन किए हैं, मतलब इंग्लैंड अभी दोस्तों पीछे है इंडिया से। यहाँ पर बात की जाए इंजरी अपडेट के बारे में, सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा आफ्टर टॉस, तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपके लिए टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आपके लिए टेलीग्राम हमारा दोस्तों ज्वाइन कर लेना है, या दोस्तों आप एज इट इज लिंक डालिएगा टेलीग्राम पर। यदि आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन नहीं करना चाहते तो एज इट इज लिंक डालोगे तो दोस्तों आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि आप लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करिएगा, वो ज्यादा सेफ रहता है। यहां पर बात की जाए दोस्तों इंडिया की संभावित 11 बैटिंग ऑर्डर, बैन स्टेट्स और हेड टू हेड, तो सभी के बारे में डिटेल से लाया हूं, बस आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आप बिल्कुल ग्रैंड लीग जीतने के हकदार हो जाओगे। यदि ग्रैंड लीग आप विन करना चाहते हो तो बस आप एक बार वीडियो को पूरी और ध्यान से देखिएगा। यहां पर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले रोहित शर्मा का नाम निकल कर आता है। रोहित शर्मा का आप देखोगे, सबसे पहले मैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड बता देता हूं, 16 इनिंग्स मतलब 16 मुकाबले खेले इंग्लैंड के खिलाफ, 544 रन बनाए हैं, और दोस्तों 250 और 200 137 दोस्तों लास्ट टाइम जब इंडिया ने टूर किया था इंग्लैंड का तब इन्होंने बनाए थे, और एवरेज भी इनका अच्छा खासा है, 45 का इनके एवरेज है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप रोहित शर्मा को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए दोस्तों इस वेन्यू पर, पर्टिकुलर वेन्यू पर 5 मुकाबले खेले हैं, इनमें 199 रन बनाए हैं दोस्तों, 350 यहाँ पर लगाई है शतक, हालांकि रोहित शर्मा ने यहाँ पर नहीं लगाई, 39 का इनका एवरेज है। अब दोस्तों मैं बता रहा था थंबनेल में भी आपने देखा होगा शिखर धवन क्यों इंपोर्टेंट होते हैं, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा शिखर धवन का आप देखोगे 15 मुकाबलों में 526 रन यहाँ पर दोस्तों इनके खिलाफ बनाए, 350 है इसमें, शतक एक भी नहीं है, 37 का एवरेज है। लेकिन पर्टिकुलर इस वेन्यू के बारे में चर्चा की जाए तो आप यहाँ पर देखोगे 5 मुकाबलों में 443 रन बनाए, जी हाँ दोस्तों 5 मुकाबलों में 443, 150 और 3 शतक और 110 का एवरेज है, तो शिखर धवन काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई इन्हें कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और वनडे में आपके लिए एक बात याद रखना पड़ेगी दोस्तों, T20 में हम सिर्फ टॉप ऑर्डर पर दोस्तों नजर रखते हैं, लेकिन वनडे में दोस्तों ODI में हमें यहाँ पर मिडिल ऑर्डर्स पर भी दोस्तों मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं ना उन पर फोकस करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग विन कराने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब बात की जाए विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली का आप यहाँ पर देखोगे इनके खिलाफ 33 मुकाबले खेले हैं दोस्तों अभी तक, 1307 रन बनाए हैं, 950 हैं और दोस्तों 3 शतक हैं, 39 का एवरेज है। विराट कोहली तो आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज हैं, हालांकि अभी इनका
कोहली का फॉर्म नहीं चल रहा वो बात अलग है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज है। और इस वेन्यू पर पर्टिकुलर बात की जाए तो 5 मुकाबलों में दोस्तों 185 रन है दोस्तों और 250 लगाई हैं, 46 का इनका एवरेज है दोस्तों, शतक इन्होंने कोई भी नहीं लगाई है। श्रेयस अय्यर के बारे में बात करें तो श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मैं कर दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सूर्य कुमार यादव को मौका देते हैं या अय्यर को? अय्यर क्योंकि बाउंसर के खिलाफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या तो शॉट छोड़ना पड़ेगा दोस्तों बाउंसर पर, या फिर दोस्तों अच्छे से खेलना सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बाउंसर का ही नहीं, अदरवाइज टीम से बाहर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो विराट कोहली दोस्तों ऐसे में आपके लिए ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छी चॉइस हो जाती है। आप एक रिस्क के साथ स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो बना दीजिएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बहुत शानदार ऑप्शन विराट कोहली रहने वाले हैं। ऋषभ पंत बहुत शानदार फॉर्म है दोस्तों, इन्हें चाहे टेस्ट हो या वनडे हो या T20, इन्हें खेलना T20 ही है, इस बात को आप याद रखिएगा ऋषभ पंत के मामले में। यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पर इनके खिलाफ इन्होंने बात की जाए तो पंत को देखोगे तो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आएगा कि पंत ने 5 मुकाबले खेले हैं दोस्तों, इनके खिलाफ 199 रन बनाए हैं और इसमें 350 हैं, शतक कोई भी नहीं है, 39 का एवरेज है। चूंकि दोस्तों 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते थे पहले और नीचे बल्लेबाजी करते थे, अब 5 नंबर पर संभवतः बल्लेबाजी करने के लिए आए, पहले और नीचे बल्लेबाजी करते थे तो इतना ही मौका मिलता था। इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, मान लीजिए यदि पंत 50 गेंदे खेल गए तो आपके लिए 75 रन एक इनके कहीं नहीं गए, तो पंत आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। और ग्रैंड लीग को पंत को दोस्तों कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बिल्कुल डेफिनेटली आप दे सकते हो ग्रैंड लीग में। और दोस्तों बात की जाए हार्दिक पांड्या की, पहले हार्दिक पांड्या के इस वेन्यू पर आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इस वेन्यू पर हार्दिक पांड्या ने 10 मुकाबले खेले हैं और इसमें दोस्तों 302 रन बनाए हैं, सॉरी वो गलती से 10 लिखा हुआ, 5 मुकाबलों में दोस्तों यहाँ पर 302 रन बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने 5 मुकाबलों में लगभग 302 रन बनाए हैं, उसके बाद 250 लगाई हैं दोस्तों इन्होंने, एक बार 80 बनाए, एक बार 76 वाला मैं आपके लिए मैच याद दिला दूँ तो 76 वाला मैच वही है जो दोस्तों इंडिया हारी थी, फाइनल था दोस्तों यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का, वहाँ पर पाकिस्तान से हारी थी, हालांकि मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता था, वही मुकाबला है उसमें दोस्तों 76 रन इन्होंने बनाए थे और शानदार इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 2 विकेट भी यहाँ पर निकाले हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है हार्दिक पांड्या दोस्तों, डेफिनेटली वेन्यू के अकॉर्डिंग आप हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, हार्दिक पांड्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 मुकाबले दोस्तों इनके अगेंस्ट खेले हैं हार्दिक पांड्या ने, इसमें 302 रन बनाए हैं, 250 इनकी हैं और दोस्तों 64 का इनका एवरेज है, तो हार्दिक पांड्या आपके लिए मस्ट पिक हो जाते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी शानदार चल रहा है, तो हार्दिक पांड्या आपके लिए स्मॉल लीग में भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन की शानदार चॉइस हो जाती है दोस्तों। वैसे आपने देखा होगा जो ओडीआई होता है ना, मैं आपके लिए बता दूं यदि आपने नहीं देखा हो, यदि किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर आजकल पैसा कमाने पर हैं सिर्फ, यदि उन्होंने नहीं बताया हो तो मैं आपके लिए बता दूँ कि जो ओडीआई मुकाबले होते हैं ना उसमें बल्लेबाज ज़्यादातर चॉइस रहता है, हमारी फर्स्ट चॉइस रहता है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बल्लेबाज, लेकिन ये मुकाबला ऐसा है कि यहाँ पर ऑलराउंडर हो सकता है हमारी फर्स्ट चॉइस, कि कैप्टन वाइस कैप्टन हम ऑलराउंडर को यहां पर बना सकते हैं, तो हार्दिक पांड्या का आप नोट कर लीजिएगा। अब बात की जाए रविंद्र जडेजा लास्ट मुकाबले में शानदार इनिंग्स खेली, हालांकि गेंदबाजी से इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाए जडेजा एक शानदार प्लेयर हैं, बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जडेजा का आप देखोगे 22 इनिंग्स दोस्तों इनके खिलाफ इन्होंने खेली है, 465 रन बनाए हैं, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 350 भी लगाई है, शतक कोई नहीं लगाई और 19 विकेट भी चटकाए हैं दोस्तों। इस वेन्यू पर 4 मुकाबलों में 6 विकेट इन्होंने चटकाए हैं, तो जडेजा को बिल्कुल डेफिनेटली आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात की जाए दोस्तों मोहम्मद शमी, इनका ज्यादा रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी को बिल्कुल डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल आपके लिए इंपोर्टेंट चॉइस है मोहम्मद शमी, आप मोहम्मद शमी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर में से एक कोई खेलता हुआ नजर आ जाएगा, मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा बाउंस है, और तब लास्ट सीरीज दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे ना, तब इनका शानदार परफॉर्मेंस रहा था, तो प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल डेफिनेटली आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए जसप्रीत बुमराह आपके लिए इंपोर्टेंट चॉइस है, जैसा कि लास्ट मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी की थी। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह आपके लिए इंपोर्टेंट चॉइस हो जाते हैं, तो जसप्रीत बुमराह भी आपके लिए अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बात की जाए युजवेंद्र चहल की, 3 मुकाबलों में 4 विकेट यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने निकाले हैं दोस्तों,
इनके अगेंस्ट। तो युजवेंद्र चहल को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हम सिर्फ 11 प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी 11 का बोल दिया कि आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये मैंने दोस्तों ग्रेन लीग की टीम में बोला है, आप रोटेशन के साथ ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग की टीम आपके लिए मैं तैयार कर दूंगा, और मैं स्मॉल लीग की टीम तैयार कर दूंगा विद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। और आपके लिए जो फाइनल टीम है ना आफ्टर टॉस, वो भी टेलीग्राम पर आपके लिए विद कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेगी। यहाँ पर ग्रेन लीग में आपके पास ऑप्शन है, इनको रोटेशन में ट्राई करिएगा। जो मैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शन बता रहा हूं वो ऑप्शन, और भी दोस्तों बहुत सारे जो फैक्ट हैं जो मैं बोलते चलता हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, और ग्रैंड लीग बिन आप करिएगा। अब बात की जाए इंग्लैंड की, जेसन रॉय। जेसन रॉय का दोस्तों पहले इस वेन्यू पर हम चर्चा कर लेते हैं, तो बहुत शानदार रिकॉर्ड है, 57 का एवरेज है, 7 मुकाबलों में 400 रन बनाए हैं दोस्तों, 350 है और 1 शतक है, और 57 का एवरेज है, बहुत ज्यादा एवरेज हो जाता है दोस्तों। लेकिन इंडिया के खिलाफ भी आप देखोगे तो इनका 53 का एवरेज है, तो इंपोर्टेंट प्लेयर है दोस्तों जेसन रॉय। लेकिन अभी जो रिसेंट फॉर्म है ना, इसके अकॉर्डिंग आप जेसन रॉय को अपनी टीम में छोड़ सकते हो स्मॉल लीग की टीम में। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल लीग की टीम में आप जेसन रॉय को अवॉइड कर सकते हो जो रिसेंट उनका फॉर्म चल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने T20 में नहीं किया है। कल भी आपने देखा, पहले ही बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने आउट कर दिया था, उससे पहले भी भुवनेश्वर कुमार ने नहीं खेलने दिया, तो आप इन्हें अवॉइड कर चल सकते हो। उसके बाद बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, अभी अपने कैरियर के सबसे शानदार फॉर्म पर जॉनी बेयरस्टो हैं। टेस्ट मैच में हमारी हार का कारण यही रहे, हालांकि हमारी हार का कारण तो कैचेस भी रहे, लेकिन इन्होंने भी उसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है, तो आप यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो को अपनी टीम में ले सकते हो, और याद रखिएगा इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे दीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे 18 मुकाबलों में इंडिया के खिलाफ इन्होंने 1023 रन बनाए, 1023 रन बनाए, इसमें 2 शतक हैं और 650 हैं। एवरेज भी आप देखोगे तो 34 का इनका एवरेज है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों यहाँ पर वेन्यू स्टेटस के बारे में, तो वेन्यू स्टेटस के बारे में मैं आपके लिए बता दूं कि 5 यहां पर मुकाबले खेले, 125 रन बनाए, 31 का एवरेज है। वेन्यू दोस्तों इतना ज्यादा वेन्यू पर ये खास नहीं कर पाए, यहां पर वेन्यू में दोस्तों ई टाइप नहीं हुई, मुझसे ध्यान भूल गया हमें, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो वेन्यू में भी आप देखोगे तो इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इंडिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, और रिसेंट फॉर्म है ना इनका काफी ज्यादा अच्छा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलिप साल्ट दोस्तों इनकी अभी शुरुआत ही चल रही है करियर की, और अभी आयरलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस कर आए हैं, तो फिलिप साल्ट को भी आप अपनी टीम में ले सकते हो। यहाँ पर जेसन रॉय को जरूर हमें अवॉइड करना है। बात करें जियो रूट के बारे में, इन्हें तो हम आउट ही नहीं कर पाते टेस्ट में दोस्तों, जियो रूट को बहुत कम आउट कर पाते हैं हमारे बॉलर, और वनडे में भी कम आउट कर पाते हैं, तो इंपॉर्टेंट चॉइस है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। रोहित शर्मा, जेसन रॉय, सॉरी जॉनी बेयरस्टो के साथ आप इन्हें भी अपनी टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अभी आपके पास कौन से ऑप्शन है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो और दोस्तों हार्दिक पांड्या, 4 ऑप्शन है आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। ग्रैंड लीग में जरूर रोटेशन के साथ इनके साथ टीम तैयार करिएगा। यहां पर वेन्यू पर भी आप देखोगे इनका 68 का एवरेज है, और इंडिया के खिलाफ भी 56 का एवरेज है, तो ये तो अवॉइड करने लायक प्लेयर हैं ही नहीं दोस्तों, डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। 8 मुकाबले इंडिया के खिलाफ में दोस्तों इन्होंने 728 किए हैं, और यहाँ पर 8 मुकाबलों में 548 किए हैं, यहाँ पर 56 का एवरेज, यहाँ पर 68 का एवरेज है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा नॉट आउट गए थे, नॉट आउट जाने से एवरेज बढ़ता है, 100 का एवरेज मिलता है, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए बता दूं। लियाम लिविंगस्टोन दोस्तों इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो आपने देखा होगा दोनों T20 में लगातार फेल हुए हैं, तो आप एक बार इन्हें अवॉइड कर चल सकते हो अपनी स्मॉल लीग की टीम में। लेकिन ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें ट्राई करिएगा, और एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें ट्राई करिएगा दोस्तों। इनको स्पिनर ज़्यादा परेशान करते हैं, और पेस बॉलर में जो आउट स्विंगर करता है, जैसे भुवनेश्वर कुमार थे, आप मोहम्मद शमी करेंगे, जो आउट स्विंग करता है ना वो ज़्यादा परेशान करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इन्हें थोड़ा सा स्मॉल लीग में अवॉइड कर सकते हो। अब बात की जाए बेन स्टॉक्स की, बेन स्टॉक्स को ना तो आप स्मॉल लीग में अवॉइड कर सकते हैं और ना ही ग्रैंड लीग में, और इंपॉर्टेंट चॉइस है दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। दोस्तों एक टीम कॉम्बिनेशन में आप बेन स्टॉक्स और हार्दिक पांड्या को, जी हाँ दोस्तों हार्दिक पांड्या को जरूर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के साथ ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मैं आपके बता रहा हूँ। तो इन दोनों को आप अपनी एक आधा टीम में जरूर ट्राई करिएगा एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद बात की जाए दोस्तों यहाँ पर मोइन अली, दोस्तों इनका बेन स्टॉक्स का मैं परफॉर्मेंस भी आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ। आप देखोगे बेन स्टॉक्स की इंडिया के खिलाफ 70
17 मुकाबले में 474 रन बनाए हैं दोस्तों, और 550 है शतक, यानी कि एक भी नहीं है क्योंकि नीचे बल्लेबाजी करते हैं, और 39 का लगभग एवरेज है। और विकेट में यहाँ टाइप करना भूल गया दोस्तों, लगभग इन्होंने 14 विकेट निकाले हैं। और बात की जाए इस वेन्यू पर, तो इस वेन्यू पर भी आप देखोगे तो दो मैच में 117 रन इन्होंने बनाए, एवरेज 58 का दोस्तों है इस वेन्यू पर, तो इम्पोर्टेंट चॉइस है, आप बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा। मोइन अली दोस्तों बल्लेबाजी से इंडिया के खिलाफ जो सीरीज है ना उसमें अच्छा कर रहे हैं, जो T20 सीरीज है ना उसमें अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन गेंदबाजी से सिर्फ पहले ही मुकाबले में विकेट चटकाए थे दोस्तों। तो आप मोइन अली को डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्रेन लीग की स्मॉल लीग में चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल लीग में यदि आप मोइन अली को ट्राई करना चाहते हो तो इनसे बेहतर ऑप्शन तो मैं दोस्तों लियाम लिविंगस्टन का मान के चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन का मैं मान के चलता। उसके बाद बात की जाए सैम कुरन मेरे हिसाब से इतने इंपोर्टेंट गेंदबाज नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ एक मैच हुआ था शायद सन 2020 में, तो इन्होंने वन साइडेड मैच दोस्तों कर दिया था वो, इसमें उसमें इन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, बल्लेबाजी कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन उस मुकाबले में कुछ इन्होंने आउटस्टैंडिंग ही बल्लेबाजी की थी। याद रखिएगा सैम कुरन और डेविड विली ये दोनों लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं, और रई स्टोपली तीन लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं, तो ये तीनों दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा को परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली को, जो लेफ्ट आर्म बॉलर रहता है और जिसकी बॉल बाहर की तरफ जाती है और एक आधा अंदर गेंद आ जाती है ना, वहां जाकर दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इतनी स्पीड नहीं है, आपने देखा होगा जो 2017 में मुकाबला खेला गया था दोस्तों 17-18 में चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को दोनों को अंदर आती हुई गेंद पर आउट किया था, तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, तभी से रोहित शर्मा और विराट कोहली की समस्या उजागर हुई थी। मैट प्रिक्सन दोस्तों लेग स्पिन गेंदबाज हैं, हालांकि T20 में तो इनकी अच्छी खासी ठुकाई चल रही है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और दोस्तों जोस बटलर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मैं कर दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपके लिए टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए अब हम हमारे कॉम्बिनेशन आपके लिए यहाँ पर बता देते हैं, चलिए जो कॉम्बिनेशन मैंने तैयार करके रेडी करके रखा है उसके आपके लिए मैं डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों यदि आपने अभी तक माई फैमिली में डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके बेनिफिट आपके लिए मैं कई बार बता चुका हूँ। ₹100 आपके लिए दोस्तों कैश बोनस मिलेगा, और ₹25 आपके लिए ईमेल आईडी वेरीफाई करने पर मिलेगी, ₹125 आपके लिए कैश बोनस दे रहा है, और फर्स्ट टाइम आप जितना भी डिपॉजिट करोगे उसका डबल हम आपके लिए देने वाले हैं, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा दोस्तों, लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप बाहर जाके दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम टीम का डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू दिखा देते हैं दोस्तों, यहां पर देखोगे आप जो यानी बैरिस्टो को ट्राई किया है, जियो रूट है दोस्तों कैप्टनसी मैंने कैप्टन बनाया है जियो रूट को, उसके अलावा दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा भी है, रोहित शर्मा को भी मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, शिखर धवन है दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन है, यहां पर हार्दिक पांड्या है, मोइन अली है दोस्तों, और वेन स्टॉक्स है। दोस्तों यदि आप मोइन अली को अवॉइड कर किसी और को लेना चाहते हो, एक बल्लेबाज बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद बात की जाए बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह, डेविड विली और दोस्तों मोहम्मद शमी को, ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशन अभी रेडी किया है, लेकिन आपके लिए जो फाइनल कॉम्बिनेशन है ना वो आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपके लिए टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।